मैं किसान हूँ, मैं अच्छा उगाता हूँ, मैं अच्छा प्रोसेस करता हूँ, मैं अच्छा खिलाता हूँ और मैं अच्छा कमाता हूँ, ये हर किसान सुबह शाम बात करता है। हमारी मीटिंग यहाँ से शुरू होती है, जिससे कि उनको ये भावना रहती है कि हम फूड बिजनेस में आने वाले नए नवाचार के नए लोग हैं, हमारा स्वागत कीजिएगा। गन्ने के रस से करोड़ों की कंपनी खड़ी हो सकती है, इसका उदाहरण है विपिन सरीन। और खास बात यह है कि इस कंपनी में गन्ना उगाने वाले और गन्ने की प्रोसेसिंग करने वाले किसान भी भागीदार हैं। पूरे भारत में शायद विपिन सरीन उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो बेहद ईमानदारी से किसानों की आय कई गुना बढ़वा रहे हैं। ये मॉडल आखिर क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हो सकता है आपको कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए या फिर कुछ अलग करने का हौसला मिले। नमस्कार दोस्तों, गन्ना उगाने वाले किसानों को बिजनेसमैन बना रहे हैं विपिन सरीन जी। एंटरप्रेन्योर के साथ ही फार्मर प्रेन्योर की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। किसान अब तक गन्ना उगाकर मिल में बेच देते थे और उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी किसान की आय दोगुनी या तिगुनी नहीं हो सकती। लेकिन विपिन सरीन जी ने देश भर के किसानों को जोड़कर एक कंपनी बनाई, उसी कंपनी में किसानों को वैल्यू एडिशन करना सिखाया, इसी गन्ने के प्रोडक्ट से उनकी आमदनी 3 से 4 गुना तक बढ़वा रहे हैं। ये पूरी कहानी कैसे हुई, कैसे किसानों की कंपनी खड़ी की है और कैसे किसानों को फार्मर प्रेन्योर बना रहे हैं, जानेंगे विपिन सरीन जी से। क्योंकि जब तक किसान को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करके बेचना नहीं आएगा, तब तक उसकी वास्तव में आय नहीं बढ़ सकती है। पूरी फिल्म जरूर देखिए, देश भर के किसानों को इससे मोटिवेशन मिल सकता है, एक रास्ता मिल सकता है जिससे कि उनकी आय बढ़ सकती है। यहाँ एक चीज और बता दूं, हम इस वक्त बैठे हैं दिल्ली के ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में। देश भर के किसान यहाँ ऑर्गेनिक खेती करने वाले आते हैं। यहीं पर इसी स्टॉल में इन्होंने देश भर के किसानों को जो जुड़े हुए हैं इस कंपनी से, उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने का तरीका बताया और यहाँ उनका प्रोडक्ट बिक रहा है और अच्छी आमदनी भी हो रही है। चलिए अब शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विपिन सरीन ने गन्ना उगाने वाले किसानों को जोड़कर एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसका उद्देश्य इन किसानों की आय को कई गुना बढ़ाना है। हरियाणा में अंबाला के रहने वाले विपिन सरीन किसानों को तकनीक देते हैं, उन्हें गन्ने की वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, इससे किसानों की आय बढ़ जाती है और फिर विपिन सरीन इन किसानों को कंपनी में जोड़कर बिजनेसमैन बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में विपिन सरीन किसानों से कोई पैसा नहीं लेते। इनका बस यही मोटो है कि गन्ना उगाने वाले किसानों की पहले आमदनी बढ़े, फिर वो इनकी कंपनी में जुड़े ताकि सब मिलकर आगे बढ़ें। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर, ये जो गन्ने से आपने किसानों को फार्मर प्रेन्योर बनाया है, वो पूरी स्टोरी क्या है? 2-3 साल पहले की बात है, मैंने खुद से कोशिश की कि मैं खेती करूं और ये सब काम करूं, क्योंकि मेरे छोटे भाई को ऐसा मतलब वो ये काम कर रहा था। आज ही का दिन है 27 मई का, जब 2018 में वो मुझे छोड़ के गया था, आज फिर 27 मई है। तब से आज तक का सफ़र मैं बोलूँ तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ कि मुझे कुछ करना है, उसका अधूरा काम पूरा करना है। वो लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाह रहा था, वो खुशियाँ भरने के लिए मैं खेती वाले काम को समझने जब निकला तो मैंने ये पाया कि किसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है, उसको लुभावनापन दिखाया जा रहा है। मेरे सामने सामने किसान ऑर्गेनिक खेती में आए और छोड़ के चले गए जब उनको मिला नहीं। शुरू में उनका ऐसा सीन होता था कि ये ऐसा खेती करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन 3 साल बाद वो किसान वापस केमिकल पे शिफ्ट होके मुझे दिखा तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। मैंने पहले खेती सीखने की कोशिश की, फिर मुझे लगा मुझे इससे ज़्यादा कुछ आता है तो मुझे साइंस लगानी चाहिए, जो मुझे आता है मुझे वो यूज़ करना चाहिए। आई तो तब मैंने ये बोलता था कि मैं गन्ने की सबसे अधिक कीमत देने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ जो गन्ने में किसान को सबसे ज्यादा पैसे दे। विपिन सरीन पहले खुद ही गन्ने का जूस, आइसक्रीम और चुस्की बेचते थे। इसके लिए ये किसानों से ऑर्गेनिक गन्ना 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदते थे। फिर इन्हें लगा कि ऐसे ज्यादा किसानों की हेल्प नहीं हो सकती, इसीलिए इन्होंने किसानों को बड़े स्तर पर जोड़ने के लिए कंपनी बना ली ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा सकें। तो ये जो कंपनी खड़ी हुई, ये इस भावना से खड़ी हुई कि ये रास्ता ढूंढते-ढूंढते देखिए गुड फूड खेती से जुड़े किस पे काम करना है, गन्ने पे काम करना है, क्योंकि गन्ने को कोई नहीं पूछता। गन्ना ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खेत से बाजार नहीं जाता, खेत से सीधा मिल जाता है, बाजार जाके आप गन्ना नहीं खरीद सकते, ये सोच के मैंने गन्ने को चुना। मतलब आपने बताया कि किसानों को आपने ट्रेनिंग दी, उनको एफिशिएंट बनाया, बेचना सिखाया, लेकिन क्या क्या उन्होंने बनाना सीखा, वैल्यू एडिशन क्या की वो और बताइए, गन्ने से आपने क्या एडिशन करवाया उनको? गन्ने के जूस से,
फ्रीज करके और हीट करके, दो चीज़ें, फर्मेंट करके, तीन रास्ते हैं जी। फ्रीज करके चुस्की 6x6 इंच का तीन लीटर का बड़ा ब्लॉक, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम बनाना और उस ब्लॉक को शेव करके, हमारे एक फार्मर ने गन्ने के ब्लॉक को शेव करने की मशीन बनाई है और एक फार्मर ने ब्लॉक बनाने की मशीन भी बना दी है। दौंड से जो हमारे फार्मर दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने शेवर और ब्लॉक मेकिंग मशीन खुद से सोच के बनाई है। इनका सवाल था सर, अगर 60 ml की चुस्की बन सकती है, इन्होंने मुझे एक बार फोटो भेजी कि सर 1 किलो की चुस्की बनाई है, वहाँ से इनका दिमाग चला और एक ब्लॉक मशीन का प्रोटोटाइप हुआ। फिर हमने एक स्टार्टअप को जोड़ा जिसने उनको अच्छा किया। चटनी, जैम, हीटिंग के प्रोडक्ट अगर हम बोलेंगे, गन्ने की चटनी और उस चटनी को पानी में घोल के पी सकते हैं, गन्ने का जैम ये हीटिंग, गन्ने की लिक्विड जैगरी, गन्ने की छोटे स्तर पे जैगरी बनाना, ये सब हीटिंग के प्रोडक्ट है। फर्मेंटेड में गन्ने का सिरका, हमारी एक टीम सिरका बना रही है, सबसे बड़ी कमाल कर दी इन्होंने, गन्ने की चाय बना दी। गन्ने के जूस में, जहाँ ऑर्गेनिक गन्ना है, गन्ने के जूस में दूध और पत्ती डाली और दुनिया की सबसे पहली गन्ने की चाय की दुकान हमने महाराष्ट्र में खोल दी और वो चाय पीने से लोगों को एसिडिटी नहीं होती है। तो ये सारे फूड वैल्यूज जो है, गन्ने के बगास से अभी हम ऑयस्टर मशरूम उगाएंगे, हम सब लोग फूड में रहना चाहते हैं, हम गन्ने के बगास से कप प्लेट नहीं बनाना चाहते, करोड़ों की यूनिट नहीं लगाना चाहते, फूड में बहुत डेफिशिएंसी है। तो गन्ने के बगास से अगर हम ऑयस्टर मशरूम उगाएंगे तो ऑयस्टर मशरूम की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट नीचे आएगी, और इस तरह की प्रोडक्शन होने से अगर बगास से पैसा मिलेगा तो जूस की कॉस्ट नीचे आएगी, तो अल्टीमेटली जब यहाँ से पैसा आएगा तो सारे फूड की कॉस्ट नीचे आएगी। तो मतलब आपने गन्ने के जूस से, गन्ने का डायरेक्ट जूस के अलावा उसका वैल्यू एडिशन किया जी, उसके प्रोसेस करना सिखा रहे हैं किसानों जी को, सर, और उससे किसानों की आय बढ़ रही है जी सर। तो इस तरह से फिर आपने ट्रेन करके उनको बेचना भी सिखाया, और फिर आगे क्या प्लान है, आप FIG बनाने वाले हैं कुछ? नहीं नहीं, 10-10 किसानों की, 20-20 किसानों की FIG हमारी बननी शुरू हो गई है, रोल मॉडल बन गया है ये रोल मॉडल। हम इंतजार, बाकी सब किसान इंतजार कर रहे हैं, हम धीरे चलो में बहुत विश्वास करते हैं कि एक स्टेप संभल जाएगा फिर दूसरा करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो उस तरह से 2 मॉडल बन गए हैं, 3-4 मॉडल हरियाणा में बनने वाले हैं। जब FIG अपना फंक्शन ठीक से संभाल लेगी तो हर 100 FIG के ऊपर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी, और स्टेट लेवल की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनको जोड़ के हम एक नेशनल लेवल की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे। और जो हमारा सेलिब्रेटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, ये इन सब के साथ लाइजनिंग करेगा, और मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी और R&D ये इसका काम रहेगा। तो वन नेशन वन ब्रांड के अंदर हम, जैसे अमूल या और बड़ी कंपनियां आती हैं, तो गन्ने में हम वन नेशन वन ब्रांड में ये सारी चीज़ें, लोकलाइज प्रोडक्शन, जहाँ किसान वहीं दुकान, तो हमारा खर्चा बहुत कम होने वाला है, खेत से बन के चीज़ें जाने वाली हैं, तो फूड जो है अच्छा फूड सस्ता हो जाएगा और किसान की इनकम बढ़ेगी। और किसान ही मशीनें बना रहा है, इनको फ्रीडम है कि अब मेरी फसल मेरी मशीन, ये दूसरा हमारा डायलॉग है। और उसके अलावा हमने किसानों के लिए एक डायलॉग, एक मतलब स्टेटमेंट है जो सुबह उठ के सब किसान बोलते हैं, मैं किसान हूँ, मैं अच्छा उगाता हूँ, मैं अच्छा प्रोसेस करता हूँ, मैं अच्छा खिलाता हूँ और मैं अच्छा कमाता हूँ। ये हर किसान सुबह शाम बात करता है, हमारी मीटिंग यहाँ से शुरू होती है, जिससे कि उनको ये भावना रहती है कि हम फूड बिजनेस में आने वाले नए नवाचार के नए लोग हैं, हमारा स्वागत कीजिएगा। मतलब मैं अच्छा उगाता हूँ, मैं अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, और जहाँ किसान वहीं दुकान, इस तरह से एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं जी, ताकि किसानों की जो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू एडिशन हो और उनकी आमदनी बढ़े और लोगों को भी शुद्ध और सस्ता सर, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, वहीं बन रहा है, वहीं मिल रहा है, तो कॉस्ट नीचे आएगी सर, शुद्ध और सस्ता। हाँ जी। तो गन्ने में ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं या कोई भी गन्ना चले? हम जैसे हमने बताया कि अगर 5 एकड़ का फार्मर है, 1 एकड़ में ऑर्गेनिक गन्ना लगाएगा तो बाकी ऑर्गेनिक का खर्चा यहाँ डालेगा। हमारा जो उद्देश्य है, केमिकल फ्री, नेचुरल, ऑर्गेनिक, जो भी नाम आप दें, हमारा फोकस 100% वहाँ है। हमारे साथ जुड़ने वाले यही करने वाले हैं, उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, हमसे अलग कोई कुछ कर रहा है तो हम नहीं जानते सर। विपिन सरीन किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीक देते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, मार्केटिंग का तरीका सिखाते हैं। जो किसान गन्ने की वैल्यू एडिशन में जैसा काम करना चाहता है उसे वैसे ही तकनीक और ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रक्रिया में इन्होंने अलग अलग राज्यों के बहुत से किसानों को गन्ने का काम शुरू करवाया, गन्ने की वैल्यू एडिशन करवाई और उनकी आमदनी 2 से 3 गुना तक बढ़वा दी, और यही किसान अब इनकी कंपनी में जुड़कर बिजनेसमैन बन रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। किसान ऑर्गेनिक गन्ने पर ही काम कर रहे हैं। हाँ जी। और किसानों को गन्ने की जो आमतौर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो जाता है, वो सर्टिफिकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं लोग। जब आप केमिकल फ्री गन्ने की बात करें तो आपने बताया मार्केट में रेट 250-300 रुपए क्विंटल मिलता है, तो आप उसको मिनिमम 1000 रुपए की एश्योरेंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप में किसान जैसे 10 का ग्रुप है, उन्होंने ही खरीदना है। हम ये कह रहे हैं कि जब गन्ने पे मेहनत, जब सारे ऑर्गेनिक का खर्चा इधर डालने वाले हो, तो किसान को ये धरती की कीमत है, किसान की नहीं, किसान तो शेयर होल्डर है यहाँ पे भी। अब 10 रुपए किलो गन्ने में देखें, हम बाकी सब्जी भी सस्ता, बाकी चीज़ें भी सस्ता करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये रीज़न है कि किसान का जो किसान ग्रुप में जुड़ा है, पहले तो उसको रेट ठीक मिल रहा है,
फिर वो यहाँ पे FIG का शेयर होल्डर है, उसको यहाँ प्रोसेसिंग में फायदा हो रहा है, फिर वो कंपनी का शेयर होल्डर, उसको वहाँ भी फायदा हो रहा है। तो हर तरफ किसान जो है वो फर्स्ट बेनिफिशियरी है, जैसे हमने लिखा फार्मर्स एज, किसान पहले। तो दोस्तों जैसा विपिन जी ने बताया, किसानों की एक ऐसी कंपनी जो किसानों की आय बढ़ा रही है प्रैक्टिकल रूप से, जहां किसान वही दुकान, और किसान शुद्ध उगाता है, शुद्ध लोगों तक पहुंचाता है और कमाई भी अच्छी करता है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों की आय बढ़े, शुद्ध चीजें उगाएं, ताकि लोगों तक भी शुद्ध चीजें पहुंचे, किसान की आय बढ़े और लोगों को शुद्ध चीजें मिले, यही टेक्निकल फार्मिंग की भी मुहिम है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।